वीडियो शुरू करने से पहले मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि आप लोगों में से जितने लोग मेरे वीडियोस देखते हैं उसमें से सिर्फ 20% लोग ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब्ड है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आपको मैं विनती करूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन मेरे लिए आपका जो प्यार है मेरे कंटेंट के प्रति वो दिखाता है, जो कि मुझे ऐसे और अच्छे कंटेंट बनाने में और प्रेरित करते हैं। तो चलिए अभी वीडियो पे लॉन्च चलते हैं। मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का Day 3 में। और अभी निकल पड़ा हूँ कैंडीज के मेरे BNB से और अब जा रहा हूँ स्टेशन में, उधर से लेना है ट्रेन नानुओया के लिए। तो नानुओया से मुझे पहले जाना है टी प्लांटेशन वही तो, और उसके बाद जाऊँगा अपना होटल रस्टिक कुछ नाम, रस्टिक हाउस जैसा कुछ नाम। तो यही अपडेट है, थोड़ा लेट हो गया था तो इसी वजह जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ा और होपफुली टाइम पे पहुंच भी जाऊंगा और मतलब आराम से ट्रेन में उठ जाऊंगा, यही होप है और इसी होप से निकल पड़ा हूँ। और अभी बजा है 8:47 को ट्रेन है तो टाइम है मेरा, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी थोड़ा जल्दी पहुंचना अच्छा है लेट होने से। तो ठीक है, चलिए स्टेशन में जाके आप लोगों से मिलते हैं। फिलहाल मैं थोड़ा इधर सब लगेज सॉर्ट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ सब लिया कि कुछ भूल गया। तो फाइनली स्टेशन पहुँच चुका हूँ और इधर कैंडी में आके फिर डायरेक्शन चेंज होता है। तो देखिए इधर तक आके फिर इंजन, ये जो इंजन था ये वाला इधर का इंजन वो खोल दिए, चला गया उधर, उधर से फिर से इंजन लग रहा है। ये अभी चला जाएगा बादूला ऐसा कुछ जगह है उसके तरफ। अभी पहुंचते हैं नुवाड़ा नानुओया से, अभी बात कर रहा हूँ, अगर नुवाड़ा एलिया तक डायरेक्ट कुछ मिल जाए मतलब फिर एकदम टी प्लांटेशन देख के फिर घुसूंगा, नहीं तो कुछ देखना पड़ेगा। और नुवाड़ा एलिया को लिटिल इंग्लैंड भी बोलते हैं तो ये पता चला, ये आपको बोला था शायद, भूल गया, नहीं बोला तो बोला था कि नहीं बोला था। और एक चीज़ अच्छा है इधर श्रीलंका में कि आप सुबह ट्रेन पकड़ो 8:30 बजे तक, तो दोपहर तक आप एक दूसरे सिटी में पहुँच जाओगे। तो दोपहर तक पहुँच जाए तो आपका दिन वेस्ट नहीं जाता, उस दिन ही आप आराम से सिटी एक्सप्लोर कर सकते हो और फिर नेक्स्ट डे कोई और सिटी में। तो यही है फिलहाल। तो 8:33 टाइम है अभी और कुछ देर में आ जाना चाहिए ट्रेन, और गर्मी तो बहुत सारा है भाई सुबह सुबह। तो बस ये सारे जो देख पा रहे हो सब वेट कर रहे हैं ट्रेन के लिए पीछे। तो 8:44 हो गया और अभी तक ट्रेन का कोई पता पता नहीं है, सबके चेहरे में मायूसी छाया हुआ, सब वेट कर रहे हैं कि कब आएगा कब आएगा। वो ऐसा वाला गाना हो गया, आएगा 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 आने वाला, वैसा वाला टाइप सीन हो गया इधर। फाइनली अराउंड 30 मिनट्स लेट के बाद आ चुका है ट्रेन अपना। तो फाइनली ट्रेन में बैठ चुका हूँ, ये अराउंड 5 आवर्स का जर्नी होने वाला है, 5 आवर्स का जर्नी होने वाला है। तो ठीक है, और फिलहाल कुछ काम है नहीं, रिलैक्स करने का छोड़ के बस रिलैक्स कर रहा हूँ। और बोलना भूल गया, ब्रेकफास्ट दिया था उधर, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था मैंने और अच्छा बनाया था मैम ने। तो ब्रेकफास्ट में दिया था आपका एग्स, फिर मैंगोज, क्या बोलते हैं उसको, पपाया, फिर एक जूस दिया था, मालूम नहीं किस चीज़ का था, ब्रेड, बनानास, तो ये सब था। तो आपके मर्जी आप क्या क्या खाना चाहते हो। तो मैं थोड़ा बहुत खा के निकल गया क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कितना टाइम लग सकता है स्टेशन तक आने के लिए। तो
वो तो 10 मिनट में ही पहुंच गए। तो यही है फिलहाल अपडेट। तो चलो अभी फिलहाल आपको ट्रेन छोड़ने के बाद थोड़ा व्यू दिखाता हूँ उधर का। तो एक चीज आप लोगों को बोलना भूल गया कि अगर आप रिजर्व टिकट बुक करना चाहते हो तो एक महीने पहले खुल जाता है ये बुकिंग ट्रेन का। तो आप कोशिश कर सकते हो कि मैंने जैसे कोलंबो फोर्ट टू कैंडी बुक किया था उसका आया था 1200 LKR, तो लगभग अपने करेंसी में 320 रुपीस। और इधर से कैंडी से भी नानू होया वो भी सेम प्राइस ही लगा 1200 LKR, तो सस्ता है। 326 रुपीस में आराम से बुक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एटलीस्ट एक तो अच्छा होगा कि आपको ऐसा सीटिंग मिल जाएगा, नहीं तो इधर आके टिकट लो तो वो खड़े होके अनरिजर्व काउंट दिक्कत हो जाता है। और वो शायद 200-300 LKR में हो जाता है। अभी आपके ऊपर है, अगर आप पूरा एकदम बैकपैकर टाइप घूमना चाहते हो, पैसा बचाना चाहते हो तो वो कर लो, और नहीं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर फैमिली वैमिली को बता दो तो सेकेंड क्लास रिजर्व ले लो या थर्ड क्लास रिजर्व ले लो, वो और सस्ता आता है, 1000 रुपये आता है मुश्किल। तो बस यही बोलना था। अभी इधर तो बहुत देर तक रुका हुआ है, मालूम नहीं इतना टाइम क्यों रुका है, तो वेट कर रहा हूँ, चलते हैं और थोड़ा देख लेता हूँ कि आज किधर किधर घूमना है। तो एक तो है टी प्लांटेशन जाना ही है। अभी देख रहा था कोई गम्बोडा वाटरफॉल मिलते हैं, गम्बोडा या रबोडा कुछ तो है, उधर जाऊँगा। और मेरा होटल ग्रेगरी लेक के एकदम सामने ही है, तो वो तो शाम को थोड़ा मतलब सूरज ढलने के बाद एक्सप्लोर करूँगा तो वो बेटर रहेगा। तो बस अभी फ़िलहाल तो इतना ही, और अभी लग रहा है ट्रेन छूटने वाली है तो चलते हैं। तो पता ना भूल गया, ऐसा टिकट रहता है इधर का। तो अगर आप ऑनलाइन भी बुक करो तो स्टेशन में जाके आप इसका हार्ड कॉपी ले सकते हो, तो मैंने कल ही ले लिया था, दिक्कत नहीं हुआ, आराम से आके बुक किया। और ऐसे सर आएंगे और टिकट चेक कर लेंगे आप लोग, अगर अनरिजर्व है तो आपको इधर उठने नहीं देंगे, मतलब अगर रिजर्व सीट है तभी आप इधर आ सकते हो। तो बस यही है, अभी आराम से चल रहा हूँ। देखिए और ये जो रूट है कैंडी टू नानू है होया, ये वन ऑफ द बेस्ट रूट्स है श्रीलंका का ट्रेन रूट। तो और इसके आगे वाला भी एले जो जाता है, तो ये रूट कोशिश करो कि आप ट्रेन से ही करो तो मस्त रहता है। तो जब तक हम जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं तब तक मैं आपको बता दूं कि ये कैंडी टू एले वाला जर्नी इतना फेमस क्यों है। तो ये जो जर्नी है ये आपका 9 आर्क ब्रिज होते हुए जाती है, और ऊपर से आपको बहुत ही एक खूबसूरत नज़ारा मिल जाता है, टी प्लांटेशन माउंटेन, फिर आपका वाटरफॉल। तो ओवरऑल एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस होने वाला है ये वाला ट्रेन जर्नी, और एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होने वाला है। तो अगर आपको आपका मतलब लक अच्छा हो और आपको टिकट मिल जाए, जो कि मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, एटलीस्ट नानू ओया के लिए तो मिल जाता है आपको, लेकिन ये जो स्पेशल एक एले वाला ट्रेन है जो आपका 9 आर्क ब्रिज के ऊपर रुकती भी है, तो ये वाला ट्रेन का आपका टिकट मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मैंने भी कोशिश किया था, मुझे नहीं मिला। तो अगर आपको आपसे हो सके तो ये जर्नी ज़रूर कीजिए। ट्रेन से ही आओ, अच्छा जर्नी होगा, मस्त मस्त व्यू है। ये पूरा आप तो देख पा रहे हो टी प्लांटेशन है। तो और पाँच स्टेशन बाद पहुँच जाएंगे, तो अभी 12:24 है, एक्सपेक्टेड है कि 1:00 तक पहुँचना चाहिए।
आसपास है दोनों ट्रेन के, आप एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन तक जा सकते हो आराम से आराम से। हाई हेलो भाई कर सकते लोगों को। और बस कुछ देर में पहुंच जाएंगे नानू हो या उधर से देखता हूँ, टुक टुक कर लूंगा, टुक टुक करके चला जाऊंगा अपने रस्टिक हाउस में, उधर लगेज वगैरह रख के फिर नेक्स्ट प्लान करूंगा। मोस्टली उधर के सामने ही एक पेट्रो टी स्टेट बोल के है, तो उधर चला जाऊंगा और उधर वो पहला प्लान है। A few moments later. ऑटो बुक कर लिया अभी और इधर से बोल रहे कि 9 किलोमीटर है, दूर है स्टेशन, क्योंकि नुवा रायलिया का कोई स्टेशन नहीं है, तो ये नानू ओया से ही ऑटो टुक टुक या कुछ करके आपको जाना पड़ेगा, टुक टुक या गाड़ी जो लेकर जा सकते हो आप। तो इसका 900 लंकन रुपये ले रहे हैं, तो ठीक है। और बैग वैग बहुत भारी है भाई, तो जल्दी पहुँच के लगेज रख के फिर निकलूँगा। फाइनली कुछ देर चलने के बाद और कुछ कैलोरी बर्न करने के बाद ऑटो में बैठ चुका हूँ, टुक टुक। और इधर भी गर्मी है भाई, मैंने सोचा था हिल स्टेशन है थोड़ा बहुत तो ठंडा होगा, इधर भी भयानक गर्मी है। तो अभी फाइनली पहुँच गया हूँ मेरे आज के स्टे के लिए, जो कि है रस्टिक हाउस। तो ये कुछ रूम है, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा रूम है, ठीक है, दिक्कत नहीं है। और ये वाला है शेयर्ड वॉशरूम, ऊपर कुछ रेनोवेशन चल रहा है उनका, मालूम नहीं क्या चल रहा। अभी थोड़ा चाय पीना है, मैम ने बोला कि चाय बना के दे रही, तो चाय पीना है फिर निकलूंगा। सामने ही ग्रेगरी लेक है और इधर एक टी एस्टेट है पेड्रो बोल के, तो उधर जाना है, थोड़ा उधर घूम के आता हूँ और घूम घूम के शाम को आके रेस्ट, फिर कल निकल जाना है। कल तो इधर से ही पिकअप होगा, तो दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आते ही ऐसे चाय दिया मैम ने, चाय पी रहा हूँ अभी थोड़ा बहुत। और एक चीज़ बोलना है कि जैसे इधर मतलब तीन टाइप के ट्रैवलर्स होते, एक होते कंप्लीट बजट ट्रैवलर्स, एक होते लग्जरी ट्रैवलर्स, मैं जिसमें आता हूँ वो है सेमी बजट ट्रैवलर, क्योंकि मुझे जैसे हॉस्टल वॉस्टल में उतना रहना पसंद नहीं आता, तो मैं प्राइवेट रूम ही प्रेफर करता हूँ जहाँ जहाँ मुझे मिल जाए अच्छे रेट में। तो ये जो रूम लिया मैंने, ये मेरा आया अराउंड 1000 समथिंग, तो उसमें प्राइवेट रूम मिल गया और वॉशरूम भी है, तो ठीक है। तो सीन कुछ ये है कि थोड़ा फ्रेशन अप होके थोड़ा नहा के अभी इधर सामने ही कहीं तो पेड्रो टी एस्टेट है, तो उस तरफ जाना है। तो एक बार गूगल से पूछ लेता हूँ कि भाई गूगल बताओ किधर जाऊँ। 7 मिनट का वॉकिंग बोल रहा है, तो पास ही होगा, तो निकल पड़ा हूँ। और इसके बाद जाऊँगा लंच करने, तो लंच का भी आपको बताता हूँ कहाँ जा रहा हूँ। वो ग्रेगरी लेक के सामने ही एक रेस्टोरेंट है, उधर जाऊँगा, बाकी देखते हैं। जो रोड में जा रहा हूँ कलू किले, 450 मीटर है इधर से, तो पास ही होगा। तो ये कुछ टी एस्टेट है, ये सब चाय पत्ते हैं, देखता हूँ कहाँ एग्जैक्टली कहाँ है पेट्रो टी एस्टेट, क्योंकि इधर तो कोई कुछ नहीं दिख रहा मुझे जहाँ मुझे कुछ डिटेल्स मिल पाए। अभी एक डायरेक्ट ऑटो ही कर लिया फालतू का, इधर तो पेट्रो बोल के पोपट हो गया मेरा, तो डायरेक्ट ऑटो करके ही अभी जा रहा हूँ उसके तरफ, टैमरो बोल के टी एस्टेट है उधर जा रहा हूँ। तो
3000 में डन किया, तो एक घंटा वेट भी करेंगे सर। सर को बोला कि मुझे ग्रेगरी रोड में छोड़, ग्रेगरी लेक के सामने छोड़ देना होने के बाद। और तो बस वही जा रहा हूँ, इधर से बोले कि सर 12 किलोमीटर है, तो ठीक है, दिक्कत नहीं है। वही एक कैश का थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है, क्योंकि कैश उतना कैरी नहीं कर रहा हूँ, बाकी ठीक है, क्योंकि अभी पैदल चल के भी कोई फ़ायदा है नहीं, कहाँ जाऊँगा। और 23rd को ऐसे भी निकल जा रहा हूँ, तो ठीक है चलो। और इधर एक अच्छा है कि हवा ठंडा ठंडा आ रहा है, ऐसा अपना कल जैसा नहीं कि पूरा गर्मी, थोड़ा बेटर है। और इनफैक्ट रूम में फैन भी नहीं है, इतना मतलब प्लेजेंट वेदर हो जाता रात को, तो मस्त। व्हाट्स योर नेम सर? माय नेम इज निमल। निमल? या। ओके, अभी निमल सर के साथ जा रहे हैं डैमरो टी एस्टेट बोलते वो जगह जा रहे हैं। 5:30 को शायद बंद होता, अभी 3:49 है, तो आराम से पहुंच जाना चाहिए। और अभी जितना टाइम जा रहा है उतना थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा फीलिंग आ रहा है इधर। नेवल सिटी द गुड पीपल दे वांट टू टेक अ गुड मेमोरी बैक फ्रॉम श्रीलंका। यस, सो इफ समथिंग इज लॉस्ट एंड दे डोंट लाइक इफ इट्स नॉट रिटर्न्ड देन दे विल हैव अ बैड मेमोरी। एवरी कंट्री हैव पीपल इज गुड पीपल इज हैव या बैड पीपल इज हैव दैट इज ट्रू। फाइनली आ गए डैमरो टी के इधर, तो 5:30 बजे तक खुला है, तो टाइम पर ही आ गए। और अभी जाके देखते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं जगह को। तो आ गया हूँ डैमरो टी स्टेट में, अभी देखता हूँ क्या है। 2000 पेमेंट करना है, अगर करना भी है तो कार्ड में हो जाएगा तो दिक्कत नहीं, नहीं तो फंस जाऊँगा पूरा, तो वही एक टेंशन है कि कार्ड या कैश जो भी करना है कार्ड में करना है। तो इसका एंट्री बिल्कुल ही फ्री है, कोई भी पैसे आपको नहीं खर्च करने। और अगर आप टी लवर हो या नहीं भी हो तो, और आपको जानना है कि चाय बनती कैसे है, मतलब हम लोग जो पैक टी हम लोग के घर में आता है उसका जो बैक एंड प्रोसेस है वो अगर आपको जानना है तो आपको ये जगह ज़रूर आना चाहिए, डैमरो या कोई और भी टी एस्टेट हो, क्योंकि उधर आपको पूरा इन डिटेल बताया जाएगा कि कौन कौन से मशीन से क्या क्या होता है, फिर कैसे कैसे चाय को मतलब ड्राई करते, लीव्स जो चाय पत्ती होते हैं उसको ड्राई करते हैं, उसको काटते हैं, मतलब पूरा इन ऑल प्रोसेस पूरा बताया जाएगा आपको। फिर क्या क्या प्रकार के चाय होते हैं श्रीलंका में, कौन कौन से प्रकार के चाय बनते हैं, ये प्लांट में कौन कौन से प्रकार के चाय बनते हैं, मतलब इन ऑल आपको पूरा एक चाय बनाने का पूरा नॉलेज मिल जाएगा इधर। ऑब्वियसली मशीनरी क्या आपको खुद को अरेंज करना पड़ेगा अगर आपको चाय बनाना है, लेकिन अगर आपको बैक एंड नॉलेज चाहिए कि चाय बनती कैसे है तो ये जगह ज़रूर विज़िट कीजिए। और जैसे कि नुवारा एलिया आपको मालूम होगा कि नहीं होगा मुझे मालूम नहीं, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि नुवारा एलिया जाना ही जाता है उसके टी एस्टेट के लिए, उसके चाय के लिए। तो मतलब अगर आप नुवारा एलिया हो और एक टी प्लांटेशन विज़िट ना करो तो आपका नुवारा एलिया का जो ट्रिप है वो अधूरा रह जाता है। तो ज़रूर आओ और एक टी प्लांटेशन ज़रूर विज़िट करो, और ऊपर से कोई खर्चा भी नहीं आता, पूरा फ्री है एंट्री, पूरा प्रोसेस भी आपको जो बताते हैं वो फ्री है। और उसके ऊपर अगर आपको अंत में फ्री में चाय टेस्ट भी करवाते हैं, अगर उसके बाद आपको चाय खरीदना है तो आपकी मर्ज़ी, उस आप पैसे देके खरीद लो। तो इसमें से जो टी बनता है 80% ऑक्शन में चला जाता, जो कि सोच लो दिलमा लिप्टन ये सब खरीद के फिर एक्सपोर्ट करते हैं, और 20% डैमरो खुद बेचती है कस्टमर्स को, यही पता चला अभी। ओके, दिस इज अ व्हाइट टी वैरायटी, दिस साइड दिस हैव व्हाइट टी, ग्रीन टी, दिस ऑल ब्लैक टी। व्हाइट टी ओनली यूज द बेबी बट पार्ट्स, बट नॉट दिस प्लांट, इज अ डिफरेंट प्लांट।
white tea plant taste a little bit red color, and this one is a dry only sunshine, and this one is a doesn't caffeine. It's a very healthy tea. So एक चाय भी है साथ में, उसके बाद आप चाहो तो खरीद सकते हो चाय, चाय की पत्ती. तो मोस्ट मोरलेस ये टूर तो इधर ही हो जाएगा. और ये अच्छा था, पूरा टी का प्रोसेस बताया कि कैसे ड्राई करके फिर उसको कट करके फर्मेंट करके उसके बर्ड्स को निकाल के कैसे टी बनता है. बाकी इसके बाद देखता हूँ, कोई लंच में जाना है. लंच का नाम तो भूल गया क्या जगह, मतलब ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ था तो उधर जाऊँगा. फिर ग्रेगरी लेक में थोड़ा एक्सप्लोर करके फिर बैक टू होटल. अभी BOP टी दिया है, ये खा के देख पी के देखता हूँ. ये अच्छा है, नॉर्मल अच्छा टी है, तो यही ले लूँगा सोच रहा हूँ घर के लिए. तो अच्छा है, बहुत स्ट्रांग ऐसा नहीं है, मीडियम स्ट्रांग है टी. अच्छा है टेस्ट. तो BOP के बाद जो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लैक टी है ये वाला, BOPF नाम है इसका, तो ये पी के देखता हूँ. तो दोनों में से जो ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा वो लेंगे मोस्टली. ये बहुत ही कड़वा है. अगर आप कड़वा टी को पसंद करते हो, बहुत कड़वा एकदम ढक से मारेगा, जगा देगा पूरा, तो ये वो वाला चाय, कॉफ़ी के सब्स्टिट्यूट जैसा है. तो ये कुछ टी फैक्ट्री के इधर का बाहर का व्यू है, मस्त है. अगर शाम को आओ तो इधर बैठ के चाय वाय पियो, बहुत ही खूबसूरत जगह लगेगा. आए हैं ये वाला. तो घर के लिए BOP जो है वो ले लिया, BOP टी, ब्लैक टी है, मतलब एकदम स्ट्रांग नहीं, मीडियम स्ट्रांग. ये जो डैमरो टी एस्टेट है, इधर कोई एंट्री नहीं है. नुवाड़ा एलिया से अराउंड 9 किलोमीटर्स है, और ऑटो मतलब टुक टुक टू एंड फ्रो मैंने अकेले का कर लिया 3000 में. तो अच्छा डील है, क्योंकि उतना ही लगता, मुझे लग रहा है उससे कम और कितना ही लगता, तो ठीक है. और ये जगह अच्छा है, मस्त है, बहुत ही एक प्लेजेंट फीलिंग आएगा आपको नुवाड़ा एलिया में, थोड़ा बहुत डिफरेंट डिफरेंट फील आएगा. और ये बिल्डिंग भी आप पीछे देख पा रहे हो कि एक ब्रिटिश टाइम का, ये 1928 में बना हुआ है, जो कि प्री इंडिपेंडेंस है, तो ब्रिटिश टाइम का ही होगा. तो इसीलिए बिल्डिंग भी देख सकते हो थोड़ा वैसा स्ट्रक्चर का है, या मैं गलत भी हो सकता हूँ, मालूम नहीं, अगर गलत हूँ तो बता देना कमेंट में. तो ठीक है, चलो अभी फिर से निकलता हूँ नुवाड़ा एलिया के लिए. लंच भी करना है भाई, 4:30 बजने चले, 5 बजने चले, अभी कुछ नहीं खाया. तो ठीक है चलो निकलता हूँ. तो अभी लंच करने आ गया हूँ, हेमा पराडू बोल के एक रेस्टोरेंट है उधर. इधर का लोकल भी है ये वाला, लायन लैगर, 4.4 अल्कोहल कंटेंट है. तो ये ट्राई करके देखता हूँ कैसा है, कि कहीं जाऊँ और लोकल बियर ट्राई ना करूँ, ये तो नहीं हो सकता. तो ये कुछ है चिकन इन द बी, देख के तो मस्त लग रहा है. और शहर कुछ ऐसा दिखता है रात को, नान नुवाड़ा एलिया. तो घुमक्कर हूँ भाई साहब, फिर से निकल पा रहा हूँ फिर वॉक के लिए. और अच्छा है वेदर, सूरज तो उठ गया है, बहुत 7:30 बजे है अभी, लेकिन अच्छा ठंड ठंड ठंडा ठंडा हवा आ रहा है. तो सोच रहा था इधर बैठ के थोड़ा चाय पिया जाए, लेकिन भाई साहब चाय नहीं है, सिर्फ कॉफ़ी, और कॉफ़ी में पीता नहीं.